हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दी स्टडी जोन। दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले हम लोगों को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होता क्या है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, समझना होगा। या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग किसे कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो सामान को खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं। दोस्तों, जिस रेट को हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उस रेट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस एट विच एनी आइटम इज परचेस्ड। और दोस्तों, अगर उसी सामान को हम लोग को बेचना है तो जितने रेट पे हम लोग उस सामान को बेचेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस इज दैट प्राइस एट विच एनी आइटम इज सोल्ड। तो दोस्तों, चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, मान के चलिए कोई एक शॉपकीपर है, उसका नाम मान लीजिए अवनीश है, ठीक है, और वो इन आइटम्स को खरीदता है और इतने रुपए में खरीदता है और इतने में बेच देता है। मान के चलिए कि उसने क्रिकेट बैट खरीदा, 250 रुपीज में उसने क्रिकेट बैट खरीदा और 300 रुपीज में उसने उस बैट को बेच दिया। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि जितने रेट पर कुछ सामान खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो इस बैट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 250 रुपीज। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग हमेशा सीपी से ही नोट करते हैं, तो इस बैट का सीपी होगा 250। तो सीपी ऑफ बैट 250। दोस्तों, उसने इस बैट को 300 में बेचा था, तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस को हम लोग कभी भी एसपी से नोट करते हैं, तो एसपी ऑफ द बैट हो जाएगा 300 रुपीज। दोस्तों, ठीक इस तरह उसने फुटबॉल भी 150 रुपीज में खरीदा, तो उस फुटबॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज और उसको 125 में बेचा, उस फुटबॉल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 रुपीज। दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ उसने बैट 250 रुपीज में खरीदा था, यहाँ पे सीपी 250 था और सेलिंग प्राइस 300 था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, मतलब जो ये सामान खरीदा है उसको अधिक में बेचा है। इसका मतलब यह होगा कि इसको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो अगर सीपी छोटा होता है और एसपी अगर बड़ा होता है तो हम लोगों का भी प्रॉफिट होता है। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हम लोग बैट पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ इसको निकालेंगे। इसके लिए हम लोग एसपी माइनस सीपी, मतलब जितने बेचा है उसमें से हम लोग जितने खरीदा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 300 रुपीज में से 250 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको टोटल 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दोस्तों, आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसको बैट पर 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि अगर इसको बैट पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको भी आप इजी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों हम लोग सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कि आखिर इसको प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ बैठ के। 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पे 50 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ था। कॉस्ट प्राइस इसका है 250 रुपीज, तो इसका प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 टाइम्स में 20% का उसको प्रॉफिट हुआ उस बैट पे।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे लॉस से रिलेटेड। दोस्तों आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर एक फुटबॉल खरीदा था, इस फुटबॉल का कॉस्ट प्राइस था 150 रुपीज। तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा 150 रुपीज और उस फुटबॉल को उसने 125 रुपीज में बेचा था, यानी उसका एसपी हो जाएगा 125 रुपीज। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने अधिक में खरीदा है और कम में बेचा है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सामान अधिक में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो हम लोग को लॉस होता है। तो इसने यहाँ पर सीपी बड़ा है एसपी से, जब सीपी बड़ा हो एसपी से तो इसमें हम लोग को लॉस होता है। यहाँ पे सो देयर इज अ लॉस, हम लोग को लॉस होगा। तो इसको लॉस कितना होगा, लॉस निकालने के लिए लॉस सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सीपी बड़ा होता है इसलिए सीपी में से एसपी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इसको फुटबॉल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस था सीपी था 150 रुपीज और एसपी था इसका 125 रुपीज, तो इसको कुल 25 रुपीज का लॉस हुआ। इसको फुटबॉल पे 25 रुपीज का लॉस हुआ। अगर आपको इसका लॉस परसेंट निकालना है कि इसको आखिर फुटबॉल पे कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो उसको भी काफी इजीली आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे लॉस परसेंट निकालने के लिए। आपको मैंने बताया था कि लॉस परसेंट को या प्रॉफिट परसेंट दोनों को हम लोग सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो लॉस परसेंट को भी हम लोग सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे। ये होता है आपका लॉस बाय सीपी इनटू 100, क्योंकि इसको 25 रुपीज का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉस की जगह 25 लिखेंगे। सीपी इसका है 150 रुपीज, तो हम लोग यहाँ पर सीपी लिखेंगे 150 रुपीज, और चूंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट ही निकलेगा। एक में से एक में कैंसिल करेंगे, आपके टेबल में 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो ये होगा आपका 50/3%। यानी कि अगर इसको हम डेसिमल में निकालते हैं लोग तो 16.6% आंसर होगा। तो दोस्तों इसको फुटबॉल पे करीब 16.6% का लॉस होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप यहाँ आपसे प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट काफी इजीली समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।